नमस्कार, मैं योगेश जंगेड़ आप सभी के समक्ष यहाँ पर लाइव प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ गहन मुद्दों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मई से लेकर और 4 मई तक केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर के इंटरव्यू कलकत्ता में आयोजित हो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अपना साक्षात्कार देने पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान के भी जिन विद्यार्थियों का केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर में रिटर्न क्वालिफाई करके और नेम शॉर्टलिस्ट हुआ, वह विद्यार्थी भी कल अपना साक्षात्कार देने पहुंचे। वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय एक घटना हमारे सामने आई कि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों ने बीए म्यूजिक किया हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया गया है, उनको इंटरव्यू से निष्कासित कर दिया गया है। कारण क्या है? कारण यह है, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे ने बीए म्यूजिक किया है, तो बच्चे ने पूछा कि कारण क्या है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसा कि काफी स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्ट हुए थे, और उन विद्यार्थियों ने वहां पर कारण पूछा कि हमें निष्कासित क्यों किया जा रहा है, तो उनका रेस्पॉन्स आता है कि आपकी मार्कशीट में संगीत अर्थात म्यूजिक जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। उन्होंने पूछा कि ऑप्शनल ही रहते हैं, और सही भी बात है, हम 12th के पश्चात जब बीए करते हैं तो 3 सब्जेक्ट हमें चुनने होते हैं, जैसे किसी ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और तीसरा चुना संगीत अर्थात म्यूजिक, ऐसे ही बच्चों ने। तो राजस्थान की जितनी भी विश्वविद्यालय हैं, वहां से जितनी भी मार्कशीटें आई हैं, उन सभी के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है ऑप्शनल, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी और 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल। वहीं यदि मैं दूसरे विश्वविद्यालयों की बात करूं, पंजाब के, आगरा के, यूपी के, एमपी के, हिमाचल प्रदेश के, सभी विश्वविद्यालयों की मार्कशीट पर केवल ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ है, कंडीशन सेम है, हिंदी इंग्लिश और उसके पश्चात 3 सब्जेक्ट जो अपने हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और तीसरा म्यूजिक, बस वहां पर ऑप्शनल नहीं दिया हुआ है। क्या ऑप्शनल के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह योग्यता है या नहीं केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए? सरासर गलत है। संगीत के विद्यार्थियों के साथ यह नाइंसाफी है और मेरे नजरिए से यह बहुत गलत हो रहा है। मित्रों, हम सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए इस कार्य के प्रति, इसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा। नीचे एक लिंक मैंने आप सभी को शेयर किया है, इस लिंक को केवल वही विद्यार्थी ज्वाइन करें जो विद्यार्थी राजस्थान से है और जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है? जरूर ज्वाइन कीजिएगा, हम सभी लोग मिलकर इस वैकेंसी पर स्टे लगवाने का प्रयास करेंगे, या तो हमें इसका न्याय मिले, और न्याय छात्र हित में ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहीं पर गलत नहीं है। जहां एमपी, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों ने 3 साल तक संगीत विषय में पढ़ाई की है, तो वहां राजस्थान के भी सभी विद्यार्थियों ने 3 साल तक म्यूजिक में पढ़ाई की है, और बिल्कुल सही भी। ऑप्शन जो राजस्थान की मार्कशीट के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है, वह गलत नहीं लिखा हुआ है। हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालयों के राजस्थान के एचओडी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि गलत क्या है इसमें, और सही भी बात है। गलत क्या है कि हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त 3 सब्जेक्ट हम ऑप्शनल ही तो लेते हैं, ऐच्छिक ही तो होते हैं। मेरी इच्छा होगी तो मैं हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, इसके अतिरिक्त हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर और फिर म्यूजिक लूंगा। कोई हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और फिर म्यूजिक लेगा, तो ये तो ऐच्छिक है ना। ऑप्शन लिख दिए तो क्या गलत कर दिया है? कोई गलत नहीं किया है। यहां पर केवीएस सरासर गलत है मित्रों। राजनीतिक कारणों से राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को रिजेक्ट किया गया। आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए, हम कोर्ट जाकर इस पर वैकेंसी पर स्टे लगवाएंगे और आप सभी का साथ देंगे। आप सभी के साथ की यहां पर बहुत आवश्यकता होगी। दूसरी बात, यदि मैं करूं बीए एडिशनल किए हुए विद्यार्थियों को, मान के चलिए कि किसी विद्यार्थी ने बीकॉम किया, बीएससी किया, उसके पश्चात विश्वविद्यालय 1 साल का एडिशनल कराते हैं, जो कि पूर्णतः है, यूनिवर्सिटी ने साफ और स्पष्ट रूप में लिख कर दिया है कि यह स्नातक के समान है। बी एडिशनल वाले विद्यार्थियों को, सभी को 3 साल बी एडिशनल प्लस 2 साल, 1 साल का बी एडिशनल और 2 साल का एमए, 3 साल म्यूजिक में पढ़ाई होने के पश्चात भी केंद्रीय विद्यालय ने बीए एडिशनल किए हुए विद्यार्थियों को यहां पर रिजेक्ट कर दिया है, जो कि गलत है। हमें इसके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। और तीसरी बात दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यह बहुत मेन और इस समय का बड़ा गहरा मुद्दा है
कि विशारद प्रभाकर प्रवीण विद और कोविद जैसे सभी डिप्लोमास को केवीएस ने समाप्त कर दिया है, अर्थात इनकी एलिजिबिलिटी नहीं मानता है। क्या जब इनसे 2017 के समय कारण पूछा गया तो इन्होंने बताया कि 6-6 साल की विशारद की डिग्रियां फेक ले लेते हैं विद्यार्थी। तो मेरा कहना है कि ठीक है, फेक ले लिया है विद्यार्थी ने, तो विद्यार्थी ईमानदारी से भी तो सीखते हैं। बच्चों ने 6-6 साल ईमानदारी से भी तो संगीत सीखा है, तो क्या केवीएस के पैनल में बैठे हुए वो लोग इतनी सी कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं कि 6 साल सीखा हुआ विद्यार्थी और 6 साल की फेक डिग्री प्राप्त किया हुआ विद्यार्थी या फेक डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ विद्यार्थी, उसमें अंतर नहीं कर सकते हैं? उस विद्यार्थी को फेल नहीं कर सकते हैं वो लोग? क्या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है केवीएस संगठन में? बहुत गलत किया जा रहा है। अगर ये लोग कहते हैं कि डिप्लोमाज लोग बाग पैसे देकर फेक बनवा लेते हैं, तो क्या बीए की डिग्रियां फेक नहीं बनती है? यदि केवीएस संगठन मेरा ये वीडियो सुन रही हो तो मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि क्या बीए की डिग्रियां फेक नहीं बनती हैं? आओ, बीए की डिग्रियां बहुत फेक बनती हैं। तो आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी, आप लोग पैनल में बैठे किस लिए बैठे हैं? चाय नाश्ता करने के लिए? बताएं मुझे कि आप चाय नाश्ता करने के लिए आप लोग बैठे हैं? तो ये एक बहुत गहन मुद्दा है। यहां पर विशारद प्रभाकर विद कोविद, क्यों? आप लोग सोचो कि केवीएस कोई अलग से कई अवतार लेकर आया है क्या? एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, यूपीएचएससी, यूपीडीजीटी, बीजीटी सभी डिप्लोमास को मान्य करते हैं जबकि केवीएस मान्य नहीं कर रहा है। क्या क्या कारण है? ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, अपने विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने हेतु ये सब कार्य किया जा रहा है। राजस्थान के बहुत सारे विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया गया था, कल 1 मई को 60 विद्यार्थियों को बाहर निकाला गया है, अर्थात साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो इसके प्रति आप सभी का सहयोग चाहूंगा और एक मैंने ग्रुप तैयार किया है, उस ग्रुप में केवल वही विद्यार्थी जुड़े जिनको जिनका केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर में नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है और जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है। हाँ, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी बीपीए किए हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के, उन विद्यार्थियों का इंटरव्यू हुआ था प्रॉपर। ठीक है, तो आप सभी सहयोग दीजिएगा। नमस्कार आप सभी को, मैं योगेश जांगिड आप सभी के समक्ष संगीत शास्त्र केंद्र के माध्यम से यहां पर उपस्थित था।